शहीद भगत सिंह संगठन बलदेव के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन सलाहकार चौधरी लेखराज सिंह पहलवान प्रधान अभयरणी के नेतृत्व में सोमवार को गढ़सौली गांव में हुए आत्महत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भगत सिंह संगठन के अध्यक्ष विपिन सिकरवाल सलाहकार धर्मेंद्र तोमर ने SSP मथुरा को ज्ञापन सौंपा। SSP की अनुपस्थिति में उनके स्टोनों को ज्ञापन सौंपा गया। विगत दिनों थाना बलदेव के गांव गढ़सौली में जमीनी विवाद को लेकर हुई पंचायत में एक पक्ष के व्यक्ति ने आत्मघात कर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें संगठन की निष्पक्षता जांच की मांग की एवं नामजद पंचों पर एक तरफा कार्रवाई न करने की मांग की। लेखराज सिंह प्रधान अवैरनी ने बताया कि जिन लोगों के नामजद FIR है वह समाज के पंच है, ऐसा करने निंदनीय अपराध है। गांव के लगभग 75% मामले पंचायतों के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। यहां तक कि पुलिस प्रशासन भी एक बार प्रत्येक पक्ष को पंचायत के माध्यम से सुलझाने का मौका देते हैं। उनके साथ पवन गौतम, KK रावत, राजकुमार रावत, गगन तोवर, छवि मधुर, कृष्णवीर सिंह, चेतन रविंद्र पहलवान, विक्की आदि मौजूद थे। किस संदर्भ में आए? ऐसा है पत्रकार जी, एक बलदेव क्षेत्र में गांव पड़ता है गढ़सौली, वहां पर कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पंचायत की, उसमें सही निर्णय हुआ। बाद में एक व्यक्ति ने जो दोषी था आग लगा करके आत्महत्या कर ली। उसी बात को लेकर के गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम FIR करा दी, जो सरासर गलत थी। पूरा क्षेत्र को मालूम है कि ये सरासर FIR गलत हुई है। इसी मामले को लेकर के हमारा आज शहीद भगत सिंह संगठन साहब SSP महोदय से मिलने आया था। साहब कहीं होली गेट पर कोतवाली में कोई घटना हो गई, इसमें व्यस्त हैं, इस वजह से स्टैंड साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है उनको बाइज्जत जाँच करके बरी किया जाए।